ये जौहर यूनिवर्सिटी में जौहर ट्रस्ट के नाम कुछ ज़मीनें खरीदी गई थी, जो अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनें थी, और उनको बिना सक्षम अधिकारी की परमिशन के, बिना जिलाधिकारी महोदय की परमिशन के उसको खरीदा गया था, क्रय किया गया था। नियमानुसार ऐसी ज़मीनें जो अनुसूचित जाति की होती हैं बिना जिलाधिकारी महोदय की परमिशन के नहीं खरीदी बेची जा सकती हैं, उनको ख़रीदा था इन्होंने। उसी के मुकदमे चल रहे थे जो माननीय राजस्व परिषद ने डिसाइड किए, उनको तय किए और उसमें ये निर्धारित किया, आदेश दिया कि ये समस्त ज़मीन राज्य सरकार में नीत हो गई है। और अब ये ज़मीन चूँकि राज्य सरकार की है तो इसलिए अब उस पर हम आज कब्जा लेंगे। क्योंकि ये ज़मीन अब सरकारी हो गई, हमारी हो गई है, इसलिए हम उसको नाप के उस पर कब्जा लेंगे। कितने बीघे ज़मीन है सर? ये लगभग 104 बीघे ज़मीन। कितने सपा सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। सपा सांसद आजम खां की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले बीते महीने आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे को भगोड़ा साबित कर दिया गया था, भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, उनके गेट्स पर नोटिस लगा दिए गए थे और बीते बुधवार को उनकी यूनिवर्सिटी की 104 बीघा ज़मीन को प्रशासन ने कब्जा लिया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूँ आपके साथ यासिर मसरूरी। बड़ी खबर है रामपुर से। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी की 104 बीघा ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट जो है उसका ये फैसला लिया है, 137 करोड़ का बकाया चल रहा था, उस बकायों को पूरा करने के लिए जो है दो भवनों को भी सील किया गया है। ये कार्रवाई और करना चाहते थे एडीएम सदर, लेकिन वाइस चांसलर ने कहा कि परीक्षाएं चल रही हैं, इससे बच्चों की परीक्षाएं बाधित होगी, इसलिए सिर्फ दो ब्लॉक को ही सील किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जौहर ट्रस्ट के नाम पर संगीन खेड़ा में अनुसूचित जाति के लोगों की 104 बीघा जमीन को बिना अनुमति के खरीदा गया था। ये शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी शिकायत पर आगे कार्रवाई हुई और अब इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 104 बीघा जमीन कब्जा ली गई है। 104 बीघा जमीन जो है अब वो सरकार की हो गई है। ये ज़मीन अब जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट या आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की नहीं रही है। ये बड़ी कार्रवाई रामपुर में बुधवार को हुई है।